फ्रेंड्स, दिस इज राजेश। यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर चैनल एजुकेशन पॉइंट। और आज हम ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज जितने भी हैं उनके सारे का प्रूफ देखेंगे। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज के जो वैल्यू निकालते हैं, साइन 60, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, इसका मैं ट्रिक बताऊंगा एक वीडियो में। और उसके बाद हमने 5 to 10 ईयर्स जो प्रीवियस ईयर बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उसका हमने 10 से 12 क्वेश्चंस कलेक्ट किया है। वो 1 से 2 वीडियो में आपको पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस बताऊंगा, जिससे कि आपकी कॉन्सेप्ट्स और डाउट पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आज के क्लास में हम देखेंगे जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज हैं सारे आइडेंटिटीज का प्रूफ देखेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से। जब भी हम स्टडी करेंगे, प्रूफ करेंगे, तो राइट एंगल ट्रायंगल बिना पूछे हमें ड्रॉ करना है। ओके, हमने सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। ओके, और ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, और हम एंगल ए ले लेंगे, थीटा। ओके, और ये सामने वाला क्या, अब ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ओके, तो ये अगर थीटा है तो परपेंडिकुलर होगा, और ये 90 डिग्री के सामने है तो हाइपोटेनस होगा। और जो रिमेनिंग साइड है वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। मैंने पूरा क्लियर डिटेल्स में बताया है कि अगर ये थीटा लेंगे तो कौन सा परपेंडिकुलर, कौन सा हाइपोटेनस, कौन सा बेस होगा। तो ये सारी चीजें मैंने क्लियर कर दिया है, ठीक है। और हम परपेंडिकुलर को पी से लिया है, बेस को बी से, हाइपोटेनस को एच से लिया है। तो अब देखते हैं हमारे पास कौन कौन से ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है। तो सबसे पहला हम लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसका हम प्रूफ देखेंगे। और इसमें ये हमारा जो मेन फॉर्मूला जो है आइडेंटिटीज है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। लेकिन इसमें अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना हो, या कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना हो, या कहीं कभी हम क्वेश्चन जब प्रूव करते हैं तो वहां पे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू लगती है, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू लगती है, तो आप यहां से आप उसको ड्राइव कर सकते हैं। जैसे मैं निकाल दूं, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू देखा जाए तो यहाँ पे 1 है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम दूसरे साइड शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पे प्लस है तो दूसरे साइड जाके माइनस हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक बार मैं टोटल आइडेंटिटीज दे देता हूँ, कौन कौन से आइडेंटिटीज अपने को प्रूव करना है ना। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये अपने को प्रूव करना है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपन साइन थीटा। या जितने ये हमारे जो इंपॉर्टेंट ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, इसका हम प्रूफ देखेंगे। तो जैसे कि हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, कैसे आता है वो भी देखेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर यहां से आपको साइन थीटा कोई बोलता है कि साइन थीटा निकालना है, तो देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू जब स्क्वायर होता है तो दूसरे साइड जब भेजेंगे तो स्क्वायर रूट में जाता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से आप ये फॉर्मूला डिराइव कर दिए, और यहां से साइन थीटा के फॉर्म में डिराइव कर दिए। अगर कॉस स्क्वायर थीटा अगर आपको निकालना हो, कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो 1 1, और ये साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा दूसरे साइड शिफ्ट हो जाएगा, प्लस में, यहाँ प्लस में तो दूसरे साइड माइनस में जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहाँ पे हमारा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब भी यहाँ पे स्क्वायर हो, और स्क्वायर जब हम दूसरे साइड शिफ्ट करते हैं, स्क्वायर जब दूसरे साइड हम शिफ्ट करते हैं
तो स्क्वायर रूट में जाता है, स्क्वायर जब भी हम शिफ्ट करेंगे तो स्क्वायर रूट में जाएगा। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब इसका प्रूफ देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसका प्रूफ देख लेते हैं। ठीक है, तो आई होप इस समझ में आ रहा होगा, जिसको लिखना आप लिख सकते हैं, फिर मैं इसका प्रूफ दिखाता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे आता है, कैसे प्रूफ करते हैं। और जितने भी इससे पहले हमने जो पढ़ाया था, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू कैसे निकालते हैं, साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे और कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो पी बाई एच, आप ऐसे भी ले सकते हैं, जहां पी है ए बी इक्वल टू और एच इक्वल टू ए सी भी ले सकते हैं, जहां पी रखा है आपने ए बी भी रख सकते हैं, जहां हमने एच रखा है वहां पे आप ए सी भी रख सकते हैं। ओके, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच, तो साइन थीटा की साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, इसे साइन थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू पी बाई एच होता है, और हमें इस फॉर्मूला में साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर की थीटा की वैल्यू निकालना है, तो साइन वी नो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ओके, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई, और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू देख लेंगे, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनस, यानी कि बी अपन एच, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपन एच स्क्वायर, बी स्क्वायर अपन एच स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई, और यहाँ से हमने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल दिया, और इक्वेशन वन ले लिया, इसी में आपको पुट करना, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा देन वी गेट, तो आप ये इस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू फ्रॉम एलएचएस फ्रॉम एलएचएस। ओके, हम आप ये लेके चल रहे हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम रखेंगे पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, प्लस है तो प्लस दिया, कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या निकाला आपने, बी स्क्वायर अपन एच स्क्वायर, तो लिखिए बी स्क्वायर अपन एच स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे एच स्क्वायर सेम है, इसका एलसीएम क्या आएगा, एच स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे ले लीजिए एच स्क्वायर। ओके, यहाँ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, जब यहाँ पर देखिए पी स्क्वायर अपन एच स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर अपन एच स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में क्या है, दोनों साइड एच स्क्वायर है, तो एच स्क्वायर के जब एलसीएम निकालेंगे तो एच स्क्वायर आएगा, फिर इसे डिवाइड करेंगे वन, इसे मल्टीप्लाई करेंगे पी स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, फिर एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, फिर वन आएगा, वन से बी स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर, यानी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको मालूम होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, आपने पाइथागोरस थ्योरम के साथ देखा होगा कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ये किसके हिसाब से होता है, पाइथागोरस थ्योरम है ना, ये आपका हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम। ओके, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम स्क्वायर ऑफ टू स्मॉलर साइड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड। ओके, यानी स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू स्मॉलर साइड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ लॉन्गर साइड, है ना, यानी कि हमने इससे पहले मैंने एक सेपरेट पाइथागोरस थ्योरम पे वीडियो भी बनाया था, और जिसको यहाँ पे कंसेप्ट में डाउट है पाइथागोरस थ्योरम में, तो हमारी इससे पहले एक प्लेलिस्ट में आप जाके हमारे पाइथागोरस थ्योरम पे दो वीडियो बने हुए हैं, तो वहां से आप देख सकते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, तो दिस इज इम्प्लाइज दैट एच स्क्वायर अपन एच स्क्वायर, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम है ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, वन, ये हमारा क्या हो गया आर एच एस साइड, आर एच एस, हेंस प्रूफ, देख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, आपके यहाँ पे प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का
प्रूफ करते हैं, जहां हमने बी लिया है वहां पे आप ए बी भी रख सकते हैं, जहां हमने बी लिया है वहां पे आप बी सी भी रख सकते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं, प्रूफ देख लेते हैं। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा स्क्वायर टू वन, फिर उसी तरह आप यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा जैसे आपको निकालना हो sec स्क्वायर थीटा स्क्वायर टू क्या हो जाएगा, तो 118 माइनस में तो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा और sec थीटा स्क्वायर टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। उसी तरह आपको tan निकालना हो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो ये आपका उधर जाएगा और ये वन इधर आके माइनस में इधर आके प्लस हो गया और इसको इधर ले लीजिए, यानी कि sec स्क्वायर थीटा और माइनस वन। ओके और फिर यहाँ पे जब tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर है तो दूसरे साइड स्क्वायर रूट में शिफ्ट हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो ये आप tan थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। और इसका हम प्रूफ देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो ये आप जैसे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, और फर्दर आप sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना हो या sec थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना हो या tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना हो या tan थीटा की वैल्यू करना हो, तो आप यहां से इस तरीके से आप sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, sec थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके चलिए अपना लीजिए, तो sec थीटा की वैल्यू क्या होता है, हाइपोटेनस अपन कॉस थीटा की क्या होती है बी बाई इसके एस बाई बी, तो sec थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी बाई एस बाई बी, है ना एस बाई बी। और तो एस बाई बी ओके, और sec तो यहाँ से sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, वहीं से ले लीजिए स्क्वायरिंग कर दीजिए दोनों साइड, तो sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एच स्क्वायर अपन बी स्क्वायर। ओके और tan थीटा की वैल्यू लेता हूँ मैं, tan थीटा की वैल्यू क्या होती है p बाई बी, है ना परपेंडिकुलर अपन बेस होता है और हमें स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो tan थीटा की जब हम स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपन बी स्क्वायर। ओके तो फिर इस sec स्क्वायर थीटा का वैल्यू रख दीजिए, tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू रख दीजिए फ्रॉम LHS, तो sec स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है एच स्क्वायर अपन बी स्क्वायर, माइनस है तो माइनस दीजिए प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस दीजिए tan स्क्वायर का पी स्क्वायर अपन बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देख लीजिए बी स्क्वायर सेम है, तो नीचे में हमारा क्या हो जाएगा एल सेम बी स्क्वायर, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ओके जैसे कि हमारा डिनोमिनेटर में यहाँ पे बी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर, जब इसके एलसीएम निकालेंगे तो बी स्क्वायर है नहीं फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन सबट्रैक्शन कर लेंगे तो हमारा बी स्क्वायर है एलसीएम ने डिवाइड हो गया वन एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू आपको क्या यहाँ से निकाल लीजिए आपको क्या चाहिए एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो इसको आप उधर लेके जाइए तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, जो पाइथागोरस थ्योरम है यहाँ से आपको एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर निकालना है, इधर एच स्क्वायर है पी उधर भेज दीजिए तो प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, जहाँ पर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है वहाँ पे आप बी स्क्वायर रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तो ऊपर में भी बी स्क्वायर और डिनोमिनेटर में भी बी स्क्वायर कैंसिल होकर क्या हो जाएगा वन, ये प्रूफ हो गया आपका sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, यानी कि हो गया आपका आर एच एस। देखिए LHS लेके चला RHS दिखा दिया, तो इस तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं, अब ये हम प्रूफ कर लेते हैं, चलिए sec cosec स्क्वायर थीटा। तो आपको मैं एक होमवर्क में दे रहा हूँ और जो आपको कमेंट इसका प्रूफ आपको कमेंट में करके मुझे बताना है। ओके sec cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा जैसे मैंने ये और ये प्रूफ किया वैसा ही आपको ये प्रूफ करके और इसका प्रूफ मुझे कमेंट में आपको बताना है। ओके चलिए मैं ये प्रूफ करके दिखाता हूँ, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपन cos थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपन cos थीटा, tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो सबसे पहले हमें LHS से चलेंगे, तो फ्रॉम
LHS, तो LHS में tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, tan थीटा की वैल्यू देख लीजिए, P by B है ना, tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपन बेस, और यहाँ पे साइन थीटा, और आप देखिए तो ये हो गया हमारा फ्रॉम इक्वेशन वन, अब इसका ले लीजिए साइन थीटा अपन कॉस थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू ले लीजिए, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाता है, मैं सेपरेट निकाल देता हूँ, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा पी बाई एच, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा बी बाई एच है ना, बी बाई एच, अब साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू पुट कर लेता हूँ मैं, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है पी बाई एच अपन कॉस थीटा का वैल्यू क्या है बी बाई एच है ना, और मैंने बताया था डिवीजन में कि जब ऊपर वाला रेशियो को सेम रखिए और डिवीजन को जब मल्टीप्लाई करते तो नीचे वाला रेशियो को रेसिप्रोकल कर देते हैं, जैसे कि पी बाई एच है यहाँ पे, और जब इंटू करेंगे डिवीजन से इंटू करेंगे तो बी बाई एच को एच बाई बी लिखेंगे है ना, रिवर्स फॉर्म एच बाई बी, एच बाई बी, तो ये आपका एच से एच कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया पी बाई सॉरी पी बाई बी है ना, इक्वेशन टू देख लीजिए, तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू tan थीटा इज इक्वल टू इतना, cos थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी पी बाई बी, तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वी गेट फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वी गेट tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपन cos थीटा, हेंस प्रूव्ड। तो ये तरीका है प्रूव करने के लिए, जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी है उसको इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं, और इनके बहुत ज्यादा यूज है, तो आपको एक क्वेश्चन ये कर दिया मैंने, ये कर दिया ये किया, आपको ये दो क्वेश्चन आपको इसका प्रूफ आपको कमेंट में बताना है, और आज की क्लास हम यही वाइंड अप करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आपको जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोस की जो वैल्यूज है वो लेके आऊंगा, वो मैं आपको पूरा सिखाऊंगा, ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल द बेस्ट।